जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2023 की लेटेस्ट भर्ती के बारे में। यहाँ पे 15,800 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी निकली हुई है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और यहाँ पे वैकेंसी में जो एग्ज़ाम होगा खाली वो शिक्षक वाला एग्ज़ाम होगा। सुपरवाइजर या ग्राम सहायक के लिए कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। 10th 12th यहाँ पे मांगा गया है, ग्रेजुएशन भी यहाँ पे मांगा गया है। तो ये ध्यान रखिए, जो वैकेंसी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 इसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हो नीचे लिंक दे रखा है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो देखिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो आती है यहाँ पे, इसमें 15,800 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं यहां पे आप देख सकते हो, महत्वपूर्ण तिथियों में आवेदन यहां पे 28/5/2023 से स्टार्ट होगा, वहीं 30/6/2023 तक ये लास्ट डेट है इसकी। ध्यान रखना परीक्षा शुल्क जो रहता है वो ऑनलाइन आपको जमा कराना रहेगा या फिर चालान के माध्यम से आप करवा सकते हो। 30/6/2023 इसकी लास्ट डेट है और एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है 21/8/2023। तो अगर आप ये वीडियो यहां पे ये 5वें 6वें महीने में देख रहे हो, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल यहां पे डेट है, ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है ssa.gov.in, नीचे लिंक दे रखा है, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। इसमें 500 और 200 रुपए के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। जो वैकेंसी है वह प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, 21 से 37 साल अगर आपकी है तो आप आवेदन यहां पे कर सकते हो। ये देख लीजिए यहां पे ये वैकेंसी 15,800 पदों पे, ये जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षकों की 50% अंकों के साथ अगर आपने स्नातक या डिग्री ले रखी है या बीए डिग्री या सीईटी पेपर 1 उत्तीर्ण कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हो। और यहां पे ध्यान रखना वैकेंसी ये ऑल ओवर इंडिया है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहां पे इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो ये वैकेंसी किसी एक यहाँ पे महिला या पुरुष के लिए, मतलब कि दोनों के लिए इंडिविजुअल यहाँ पे आप ध्यान रखिए, सभी स्टेट वाइज ये वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिख जाएगा 15,800 पदों के लिए।